हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे फूल गोभी की बड़ी। ये बड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से फूल गोभी की स्वादिष्ट बड़ी बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि फूल गोभी की बड़ी बनाकर आप साल भर कैसे स्टोर कर सकते हैं। इस समय बाज़ार में गोभी की भरमार है और सस्ती भी मिल रही है, तो इस तरीके से गोभी की बड़ी बनाकर साल भर स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे गोभी का स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फूल गोभी की बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक भगोना रखेंगे और इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे और इसे ढक देंगे और पानी में 1 उबाल आने देंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की फूल गोभी को अच्छे से धुल लिया है और इसे इस तरह से बड़े बड़े पीस में काट लिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है। अब सारी गोभी को इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है ताकि इसमें अगर कोई कीड़े वगैरह है तो भी निकल जाए। अब इस तरह से इसे अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे और इसे फिर से ढक देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाएँगे। तो ये देखिए, 1.5 मिनट हो गए हैं और गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और सारी गोभी को छानकर पानी से अलग कर लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब ये मैंने लिया है 1 कप चना दाल। इसे मैंने अच्छे से धुलकर 5 से 6 घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो कर ले सकते हैं। अगर चना दाल ना हो तो आप इसकी जगह मूँग दाल या उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, दाल अच्छे से फूल गई है। इस तरह से नाखून से दबाने पर ये अच्छे से टूट रही है, तो इसका मतलब दाल अच्छे से फूल गई है। अब सारी दाल को इस तरह से छान लेंगे। अब इस तरह से एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें दाल को डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रहे इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और इसे इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम बारीक पिसा हुआ है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरह से सारी दाल को पीस लेंगे। तो ये देखिए, सारी दाल को मैंने पीस लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। और ये मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले लिए हैं, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, 3 छोटी इलायची, 7 से 8 लौंग, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच जीरा। अब सभी मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब ये मैंने लिया है 14 से 15 हरी मिर्च। ये हरी मिर्च थोड़ा पक गई थी तो मैंने दोनों मिक्स करके ले लिया है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। और ये मैंने लिया है 1 गांठ अदरक। इसे इस तरह से छीलकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अब इसे भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब इसमें बिना पानी डाले इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इसे बहुत फाइन नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा पीसना है। अब ये जो मैंने चना दाल पीस कर रखा है उसी बॉल में इसे डाल देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर गोभी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसे इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। इसे काट कर डालेंगे, इससे गोभी पीसने में आसानी होगी। और इसे बहुत फाइन नहीं पीसना है, बिना पानी डाले इसे दरदरा सा पीस लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे दरदरा पीसना है। अब इसे भी चना दाल वाले बॉल में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी गोभी को पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी गोभी को मैंने पीस लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया ज़रूर डालें, इससे बड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे फेंटेंगे। तो जैसे पकौड़ों के लिए बेसन फेंटते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसे भी फेंटना है। तो इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना है ताकि ये अच्छे से हल्का हो जाए। और जब हम इसकी बड़ियाँ बनाएं तो
तो एकदम सॉफ्ट बने। बढ़िया सॉफ्ट बनेंगी तो जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो ग्रेवी इसके अंदर तक जाएगी और इसकी सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे ढककर 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये और भी हल्का हो जाए। अब एक थाली लेंगे और इसमें हल्का सा सरसों तेल लगा लेंगे। यहाँ पर मैं इसे थाली में बना रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट धूप में पॉलीथीन बिछाकर इसे बना सकते हैं। अब इसे साइड में रख देंगे और बड़ी वाला मिश्रण 1.5 घंटा रेस्ट कर लिया है। अब इसे एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे। बड़ी का मिश्रण बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसकी बड़ियाँ बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं बना रही हूँ, आप बड़ी की साइज अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे मीडियम साइज में बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी साइज रख सकते हैं। तो ये लीजिए, सारी बड़ियों को मैंने बना लिया है। अब इन्हें धूप में 3 से 4 दिन सुखाएंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। तो ये लीजिए, इन्हें मैंने 3 से 4 दिन अच्छे से सुखा लिया है। आप जब भी इन्हें स्टोर करें तो अच्छे से सुखा कर स्टोर करें, ये सालों साल ख़राब नहीं होंगी। जब भी इनकी सब्जी बनाएं तो इन्हें अच्छे से फ्राई करके इसकी सब्जी बनाएं, इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।